जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले, ये लेटर संयुक्त निदेशक सह बड़ी प्रभारी पदाधिकारी स्थापना ICDS निदेशालय के द्वारा निर्गत किया गया है, जिसमें सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को दिनांक 6/10/2024 यानी रविवार को कार्यालय ससमय खुला रखने के संबंध में पत्र लिखे हैं। तो आइए इस पत्र में और क्या लिखा गया है विशेष, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ICDS निदेशालय के पत्रांक 5832 दिनांक 5/10/2024 के आलोक में ये पत्र निर्गत हुआ है। प्रेषक संयुक्त निदेशक सह बड़ी प्रभारी पदाधिकारी स्थापना ICDS निदेशालय सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बिहार। विषय दिनांक 6/10/2024 को कार्यालय ससमय खुला रखने के संबंध में। महाशय, निर्देशानुसार सूचित करना है कि दिनांक 24/9/2024 को जिला पदाधिकारियों के स्तर से कराए गए आंगनवाड़ी केंद्रों के औचक निरीक्षण से संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन एवं कर्मियों का विवरणी की मांग अर्जेंट बेसिस पर की गई है। अतः सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कल दिनांक 6/10/2024 रविवार को ससमय कार्यालय खोलेंगे और अनिवार्यतः कार्रवाई प्रतिवेदन ईमेल पर एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। कार्यालय में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपना फोटो भेजेंगे, इसे अति आवश्यक समझा जाए। इस पर लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। विश्वास भाजन संयुक्त निदेशक सह बड़ी प्रभारी पदाधिकारी स्थापना ICDS निदेशालय। तो आपने देखा, जो आपके ज़िले में 24/9/2024 को जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का जो निरीक्षण किया गया था, उससे संबंधित क्या कार्रवाई की गई वो प्रतिवेदन एवं कर्मियों की विवरणी की मांग अर्जेंट बेसिस पर मांगी गई है, जो कि ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी पदाधिकारी को भेजना है। तो आपने देखा, आज है 6/10/2024 दिन रविवार। आज भी पूरे बिहार के सभी DPO कार्यालय और CDPO कार्यालय खुले हुए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।